सर सबसे बड़ा यहाँ एशिया टेलीकॉम में बैकअप सपोर्ट है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर हम जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, एक बार पैसा लेने के बाद में कोई सपोर्ट नहीं होता, चाहे आपको यानी फ्रेशर हो या कोई भी हो, एक्स वाई जेड, अगर जैसे मान के चलो कोई भी जो है स्टूडेंट होता है वो एक बार करने के बाद में फिर उसे यानी जो द्वारा यानी इंस्टीट्यूट में नहीं लिया जाएगा। और लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अच्छा कि यानी बैकअप है, जैसे मेरे को कोई चीज़ है, मैं फ्रेशर हूँ, मेरे को अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं द्वारा यहाँ आ सकता हूँ, और जो द्वारा के बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है फिर भी मेरे साथ यानी बैकअप सपोर्ट वगैरह। जो मेरे भाई मुझे कमेंट करते हैं सर मुझे एशिया टेलीकॉम जाने से डर लग रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बेडर वाली बात हुई है, मेरा यानी नंबर है, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे दिया है इसमें वीडियो में, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेफिक्र होके यानी बेचिंता होके। बिल्कुल, लोग अपने स्टूडेंट को नहीं दिखाते, हम कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, लोग अपने स्टूडेंट को नहीं दिखाते। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये इन्होंने अभी इसको सेपरेट करिए, और ये ब्लैक पेस्टेड थी, अभी भी सीपीयू पे आपको ब्लैक पेस्टेड नजर आ रहा होगा, इन्होंने इतने अच्छे से इसको क्लीन करी है, और जिससे इससे पहले कि ये काम नहीं करते थे, फ्रेशर थे पहले यहाँ पे जब आए थे सर, इससे पहले मैं दूध की डेयरी थी जी, मैं दूध की डेयरी को बंद करके फिर मैं आया यहाँ, और मुझे वाकई में जो ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी जगह पे आया हूँ, और मुझे इतना यानी यहाँ यानी टीचर लोगों का इतना सपोर्ट मिला है कि जो भी यानी टीम वर्क जो है यहाँ टीचरों का इतना यानी स्पेशलिस्ट है कि इंडिया के नंबर वन ही नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि वर्ल्ड नंबर वन यानी खिताब मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं भी यही चाहता हूँ कि इंडिया छोड़ो, इंडिया से बाहर भी हमारे यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आने चाहिए, क्योंकि एशिया टेलीकॉम जो है मैं रियल दिखाता हूँ, जो दिखाता हूँ, अगर मेरे चैनल में अगर सच्चाई नहीं है तो इतने सारे भाई हैं, कोई ना कोई तो कुछ बोलेंगे, मगर देखो सारे के सारे रिव्यू काफ़ी अच्छा देते हैं। सर मैंने कभी सपने में ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी आईसीयू के नाम भी नहीं, कभी प्लेट खोल के मैंने नाम भी नहीं जानता था कि किसको यानी EMMC बोलते हैं, किसको CPU बोलते हैं, किसको पावर IC, PMI, यानी किसे WTR वगैरह, यानी किसे कंपोनेंट कैपेसिटर, यानी रजिस्टर थर्मिस्टर, ये सारी चीज़ें मेरे को जानकारी तो नहीं। एक चीज़ और बताओ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि ये कोर्स 15 दिन में पॉसिबल है करना? सर बिल्कुल नहीं, ये लॉन्ग टाइम कोर्स होता है, 15 दिन में तो कोई मतलब ही नहीं है किसी प्रकार, 15 दिन में तो यानी कंपोनेंट्स की जानकारी हो पाती है। बिल्कुल सर, ये कोर्स ऑनलाइन भी सीख सकते क्या आप? सर ऑनलाइन तो कोई मतलब नहीं है, ठग विद्या होती है, जो लोग यानी जो घर बैठे पैसा कमाने की एक नई स्कीम निकालते हैं ऑनलाइन के द्वारा, यानी ठग लिया जाता है, जब हमें यानी समझाने के बाद भी कभी कमी रह जाती है यानी प्रैक्टिकल के साथ में, फिर भी हम टीचरों से पूछते हैं, जब हमारे यानी कमी पूरी हो पाती है तो आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि यानी ऑनलाइन में कैसे यानी ऐसे हो सकता है। और यहाँ से जाने के बाद अगर आप कहीं पे फंस जाते हो तो आपको ज्वाइन कर सकते हो दोबारा, या चार्ज लगेगा उसका? नहीं सर कोई चार्ज नहीं है, हमेशा के लिए लाइफ टाइम सर यानी सपोर्ट है, जैसे मेरे को जैसे मैं हूँ फ्रेशर हूँ मानने के लिए, मेरे को अगर कोई दिक्कत आती है तो यानी मैं दोबारा आ सकता हूँ, बाकी सपोर्ट भी है मेरे साथ सपोर्ट, जैसे कि आज 5G चल रहा है, कल को वो सॉरी आज 4G चल रहा है, कल को 5G आ जाता है, तो उसके लिए अगर आप सपोर्ट लेना चाहते हैं तो वो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, चाहे 5G आए, 6G, 7 कुछ भी आए, यानी XYZ यानी जब तक मोबाइल। सर ये मैंने यानी जो है EMMC को रिवॉल्व कर दिया है, ठीक है, हाँ आप देख सकते हैं, और मैं इसकी क्लियरिटी की मैं आपको काम कैमरे के साथ दिखाऊंगा, ये मेरी PC भी है, ये मेरी PC भी है, ठीक आप है, देख सकते हैं इसको, मैं ये अच्छी क्वालिटी में और देखने के लिए कि कितना हम सुंदर तरीके से यानी मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, ठीक जो है? हमारी यानी एशिया टेलीकॉम की यानी जो टीम ने हमें सिखाया है, यानी देखिए यानी कैमरे में। तो भाई ये देखिए कैमरे में मैं आपको ऊपर LCD में दिखा रहा हूँ, और ये देख सकते हैं आपके इन्होंने क्या, इससे पता चलता है कि वाकई में ये कोर्स कितने टाइम का है, जो ब्लू पेस्ट यानी कितना दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा हार्ड था फिलहाल, यानी प्रिंट देखिए आप यानी देख सकते हैं, ये वो काम है जो कि पॉसिबल नहीं है कि आप कहीं जा रहे हैं 15 दिन में हो जाए या 20 दिन में हो जाए, उनसे थोड़ा बच के रहें अगर आपको कुछ करना है। सर ये EMMC है, ये अभी रिवॉल्व की, ये देखो EMMC रिवॉल्व करिए, ये देखो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पहले कभी मतलब ब्लैक पेस्टेड थी नहीं है कभी, मगर इन्होंने ब्लैक पेस्टेड उतारी है और उसको रिगोल करके इन्होंने इजीली दिखाया। सर ये जो भी श्रेय जाता है एशिया टेलीकॉम को जाता है, मेरे जो गुरु हैं एशिया टेलीकॉम के उनको श्रेय जाता है ये सिखाने का मेरे को। सर थैंक यू सर, मैं उनका बहुत यानी सही दिल से यानी ये तो आपने निकाली है तो IC लगा भी लोगे ना सर सब कुछ? हाँ लग रहा होगा कि निकाल, नहीं ऐसा नहीं निकालना, कोई निकालना तो कोई ब्लैक पेस्टेड खोल लिए तो लगाना तो लगा भी सकते हैं। ऑन साइड में सर कितने तो कर लिए ना ऑन साइड में बहुत, ठीक है जब मेरे वीडियो भी हैं। सो फ्रेंड्स हमारे साथ फुल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और EMMC बैच के एक और स्टूडेंट है, अपना नाम बताइए। विष्णु कुमार आगरा। विष्णु कुमार कहाँ से आप? आगरा से। आगरा से है, जैसे कि फ्रेंड्स इनका पहले भी हमने वीडियो बनाया है कीपैड वाले मोबाइल का, तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखा रहे हैं, चाहे रिवॉल्विंग हो, चाहे IC लगाना निकालना हो, या फिर सेक्शन वाइज
या फिर आपको स्कीमेटिक डायग्राम रीड करना हो, या फिर शॉटिंग हो गया, हाफ शॉटिंग हो गया, इनका स्टेप बाय स्टेप एक क्लास चल रहा है। और विष्णु आज कितने दिन का क्लास हो गया है? सर आज 13 दिन हो गए। 13 दिन का क्लास हो गया है। और पहले आपने फर्स्ट दिन से क्या कर रहे थे, पहले दिन क्या काम किए? पहले दिन IC जिसमें MMC करवाई, जिसमें CPU करवाया, 4G हैंडसेट, 3G हैंडसेट, कीपैड का CPU हो गया या पावर हो गया, ये सारी रिबॉलिंग की हमारी 2-3 दिन में हो गई थी। और 5 दिन में हमने कीपैड के CPU को निकाल के लगवा लिया था। तो आपने कितनी बार किया था कीपैड के CPU पे? 6 से 7 बार किया। 6 से 7 बार आप कीपैड का CPU निकाले, ऑन सेट का लगा के फिर ऑन किए थे। और आज जो आप ये 5A हैंडसेट आपके पास है, तो ये बता रहे हैं आप, इसमें आपने क्या किया है? सर मैंने ये चालू सेट था, ऑन सेट था, चालू ऑन सेट था, ठीक है, सेट था, इसमें मैंने पावर IC को निकाल के दोबारा रिवॉल्व करके लगाया है। ऑन हो गया सेट, दोबारा ऑन हो गया। इस हैंडसेट में IC निकालने के बाद कितने बार में लग गया? सर एक ही बार में, तुरंत ही इतनी अच्छी हैंड प्रैक्टिस हो गई है, इतनी अच्छी हैंड प्रैक्टिस हो गई है और एक ही बार में लग गया है। ये कोई फेक वीडियो तो नहीं है? नहीं सर मेरे, क्योंकि पहले कभी काम किए थे क्या आप मोबाइल का? मैंने नहीं किया। और IC पे कभी तो किए नहीं, क्योंकि मोबाइल ये रिलेटेड फील्ड से ही नहीं थे आप। आने के बाद तो आप बिल्कुल फ्रेशर है। और आज 13 दिन में आप बोल रहे हैं कि कोई भी IC मैं निकाल के लगा सकता हूँ, और एक ही बार में आप लगाया, मैंने भी देखा है। और यहाँ पे और भी स्टूडेंट है, जैसे कि इन्होंने एक बार में लगाया ना ये, और काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, ऐसा कोई फेक वीडियो नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये फेक बात तो नहीं है, जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं सर, रियल बात, आपको खुद को ऐसा लगा है, आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो गई है, इसलिए आप बोल रहे हैं। तो एक ही बार में सेट ऑन हो गया, अभी कैसे लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा, यानी फील हो रहा है मेरे को कि वाकई में मैं कुछ नहीं जानता था, आज मैं यानी सेट अच्छे से ऑन कर सकता हूं। क्या कहना चाहेंगे आप जो फ्रेशर आके सीखना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, अगर ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं, वाकई में एक अच्छा डिसीजन लें, एशिया टेलीकॉम आएँ, जहाँ बहुत ही यानी 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक का यानी जो सिखाया जाता है। पहले मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ कि सिखाया जाता होगा ज़्यादातर ऐसे इंस्टीट्यूट वगैरह में, लेकिन मुझे आने के बाद ऐसा फील हुआ कि वाकई में मैंने एक ज़िंदगी का अच्छा फैसला लिया है। यदि जो स्टूडेंट अगर वाकई में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करें, यहाँ रिपेयरिंग आके। जैसा बाद लोग बोल रहे हैं IC का तो काम कर लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बता दो, क्या स्कीमेटिक डायग्राम सारा रीड कर सकते हैं आप? हाँ सर बिल्कुल सब कुछ कर सकता हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ इंटरनली चेक कर सकते हैं। कोई भी वाईफाई दे दूँ मैं आपको, पावर की दे दूँ, BSI दे दूँ, कोई भी सेक्शन चेक कर सकते हैं ना। अगर स्कीमेटिक डायग्राम नहीं भी मिलता है और PCB में टिप्स भी उखड़ जाए, टिप्स भी अगर उखड़ जाए तो बना सकते हैं ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। Redmi 7 हैंडसेट तो क्या कंडीशन था, क्या किए बताइए? सर ये डेड सेट था। हाँ बिल्कुल डेड था। हाँ तो फिर मैंने यानी जो इसकी यानी ट्रेसिंग की, ट्रेसिंग करने के बाद इसमें शॉर्टिंग वगैरह थी, और पावर IC को निकाल के फिर द्वारा लगाया है, लगाने हाँ। के बाद में ये ऑन हुआ। तुमने अपने से किया? हाँ सर मैंने बिल्कुल अपने, तुम्हें लगाया ना? हाँ जी। बताओ एक बार फिर से, देखो पावर की दबाओ, ऑन है ना सेट? हाँ सर ऑन है, बैटरी 67% दे रहा है। हाँ ठीक है, कैमरा नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। हाँ कैमरे निकले हुए रखे हैं, अभी मैंने ठीक है, पूरा सेट ऑन है। हाँ सर पूरे तरीके से पूरा सेट ऑन ऑन है ना। हाँ जी कैसा लग रहा है? नहीं बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिल रही है कि मैं यानी अच्छी जगह पे आया मैं, और मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है कि जिससे कि मैं ये काम सीख गया। ठीक है चलो, बहुत ही सर बहुत ही स्पेशलिस्ट है, अब उनकी सिखाने की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि यानी किसी को नॉर्मल जैसे मैं हूँ मुझे कुछ नहीं आता था, उन्होंने इतने अच्छे से रिवॉल्विंग कराई कि आज मैं बहुत अच्छे से रिवॉल्विंग कर लेता। कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मैं चालू सेट में भी यानी रिवॉल्विंग करके IC को निकाल के दोबारा लगा देता हूँ, तुरंत यहाँ की तुरंत चालू कर दो। तो ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्यों यहाँ आपने, आप कहाँ से? सर मैं आगरा UP से हूँ सर। आप आगरा से, आपने अच्छा ये बताओ जब आप यहाँ से निकल रहे थे तो आपके घर वालों ने जाने दिया था क्या आपको? नहीं सर घर वालों को मैं बता के भी नहीं आया हूँ कि मैं यहाँ एशिया टेलीकॉम आया हूँ। अच्छा घर वालों को बता के नहीं आया, नहीं तो बोल के आते तो वो कोरोना में कहीं जाने नहीं देते। और मुझे एक यानी मुझे जोश है कि मुझे यानी एशिया टेलीकॉम में ही मुझे इतनी क्वालिटी अच्छी लगी कि मैं उसी में ही सीखूंगा, और इतने अच्छे से सिखाते हैं कि 0 लेवल का यानी हाईएस्ट लेवल, और मैं ये वादा करता हूँ एशिया टेलीकॉम से कि मैं इतने अच्छे लेवल का बन के दिखाऊंगा जो कि यानी शायद मेरे यानी जो जिले में कोई नहीं होगा इतना एकदम से। क्या 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 कहेंगे ऐसे जुनून का, क्या कहेंगे आप? सर ये दीवानापन होना जरूरी है सर काम सीखने के। वेरी गुड, सब अच्छे से कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू रखना है, थोड़ा टच भी लेने जाने के बाद भी।
मतलब ये चाहिए हमको यार सर, चाहिए और मुझे फ्रोज सर क्या था सर, इतना यानी अच्छा से सिखाया उन्होंने मेरे को, इतने अच्छे से कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता और इतना मुझे जो और मैं जो इतने ही बहुत तरीके से ऐसे सीख के जाऊंगा कि एक एक बारीकी को कड़कड़ को निकाल के जाऊंगा, एक एक नस मोबाइल। और देवेंद्र अग्रवाल ने कैसे सिखाया सर? वो तो और ही बेस्ट है सर, कर सके अच्छे लेवल का, वो भी छोटे मोटे लेवल का नहीं है, अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस लेवल का। यानी जो है मैं एक बार मैं सभी से चाहूंगा कि मेरे अग्रवाल जी गुरु जी हैं सर, उनके लिए एक बार तालियां हो जाए। मेरे यानी जो टीचर हैं उनके लिए एक बार और तालियां। एक बार हमारे समीर जी हैं जो कि यानी इंडिया में यानी अच्छे अच्छे यानी जो है वीडियो दिखाते हैं और अच्छी अच्छी जो यानी गड़बड़ हो उसको उजागर करते हैं, यानी अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे समीर जी के लिए